गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी डॉक्टर आशीष है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में आज एक इलेक्ट्रोशेड का छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। बेसिकली हम लोग उसको समझेंगे छोटे से, और उसपे छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बट ये कॉन्सेप्ट आपके एडवांस में आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस बनाने में। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो कोई भी चार्ज बॉडी है, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। बेसिकली किसी भी चार्ज बॉडी का जो एनर्जी है, और अगर मैं ज्यादा कंसाइज बात करूं तो अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, कोई बिग बॉडी है जो चार्ज है, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटायर रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो बेसिकली अगर मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, और इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं अगर ई से रिप्रेजेंट करूं, तो क्या है कि इसमें पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा, इसको आप चाहें तो एक फॉर्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, बट हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर है। खास करके एडवांस में अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और सेल्फ एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में अगर जरूरत पड़ती है, तो हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला को यूज करते हैं। बस समझना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होता है, और अगर ये स्पेस कैसा हो, अगर वैक्यूम या एयर हो, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग दो बॉडी का, या जितने भी बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी बिग बॉडीज हैं जो चार्ज हैं, उनका हम सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं जरा सा इस कॉन्सेप्ट से। हम जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं इनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। हम हॉलो स्फीयर जो कि चार्ज है, उसके पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, हम उसको देखते हैं एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट। हालांकि इसको समझने का एक और तरीका है, जिसमें हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल समझते हैं। तो एक एक करके इन्फिनिटी से हमें उस स्फेयर पे, जैसे सपोज करो ये हमारे पास स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, अंदर कुछ नहीं है, ये क्यू चार्ज इस पे फैला हुआ है, यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहाँ रहेगा, आउटर साइड। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस क्यू चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से हमें अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क होता है एक्सटर्नल फोर्स का, वो इस बॉडी में स्टोर हो जाता है, इस बॉडी में के लिए स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। और सेल्फ एनर्जी का वैल्यू सबको पता है, सॉलिड स्फीयर का भी सेल्फ एनर्जी हम जानते हैं, बट हम लोग इस चीज को एनर्जी डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे। एक्चुअल में अगर बच्चे समझे, तो अगर मैं देखूं इस हॉलो स्फीयर का, तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रहा होगा, इसके सरफेस से चालू होके कहां तक, तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट करेगा। अब इस पूरे रीजन में यहाँ इसके सरफेस से चालू होके इन्फिनिटी तक जितने रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में इसके पास एनर्जी है, मुझे वो पूरा एनर्जी निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, सपोज करते हैं कि एक्स दूरी पर जाके और डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा स्फेरिकल हम सेल कंसीडर कर, सपोज कीजिए, ठीक है, इसका थिकनेस डीएक्स मान दे। तो भाई ये जो छोटा सा आपको वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा, इसको हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है अपने पास, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ जो क्या करता है, हमको पता है कि आउटसाइड रीजन में, चूंकि हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन में सरफेस से बाहर और इन्फिनिटी तक होगा, अल्फा में कोई हमको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लूं एक्स दूरी पर, इस दूरी पे, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस छोटे से वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा, मैं उसको लिख सकता हूँ डी यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4, और ये डीवी आके गुना लगेगा। तो डीवी को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये छोटा सा वॉल्यूम है, एक्स 4 से ये 2 पावर से कटा और 2 बचा रह गया, बाकी देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 के को हटा सकते हैं, ये बड़ा हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा वो देख लेते हैं जरा सा, तो यहाँ बच गया के क्यू स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो गया। इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में कितना एनर्जी आया सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहाँ से कहाँ तक है भाई, इसके सरफेस से होके और थियोरेटिकली कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस पूरे रीजन में टोटल कितना एनर्जी स्टोर है, अगर वो मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे इस बात को निकालने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए अगर मुझे टोटल एनर्जी तो के क्यू स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मुझे क्या करना होगा भाई, इस छोटे से एनर्जी मैं यू लिख रहा हूं, तो इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जो एनर्जी है मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां तक, कैपिटल आर मतलब रेडियस को लिया लोअर लिमिट, सरफेस से हमारा चालू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और कहां तक जाएगा भाई, इंफिनिटी। अब ये अगर मैं करूं तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे ये कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा -1/x, लिमिट चेंज कर लो तो 1/r के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और बच्चे इस इक्वेशन को देख के, इस रिलेशन को देख के आपको याद आया होगा कि हमने सेल का सेल्फ एनर्जी पढ़ा है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल इज कितना के क्यू स्क्वायर बाई, तो यही उसकी सेल्फ एनर्जी है। तो यहाँ पे समझना ये है कि इस हॉलो स्फेरिकल सेल के का सेल्फ एनर्जी जो है वो क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये एनर्जी किस रीजन में कहाँ स्टोर है, तो भाई इसके पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में स्टोर है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहाँ से कहाँ तक है, इसके सरफेस से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो हमको, अब जैसे इस मॉडल पे आपसे कोई भी सवाल बनाया जा सकता है, सपोज करो जैसे क्वेश्चन का कुछ भी हो सकता है, इसके पहले हम थोड़ा सा इस फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जल्दी से चला था सॉलिड स्फीयर का भी एनर्जी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि इस बार हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, अब इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है आर है, ठीक है। अब टोटल क्यू चार्ज इस पे, टोटल इसके पास क्यू चार्ज है, तो बच्चों को पता है भाई ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो वो वही काम करेगा तो होलो स्फीयर करेगा, क्योंकि उस पे फाइनली चार्ज कहाँ आना है, आउटर सरफेस, अगर कंडक्टिंग होगा तो। ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, और इसके पास टोटल चार्ज क्यू है। अब मुझे देखना है कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना है, कितना स्टोर। तो अगर मुझे ये देखना है तो यहाँ ध्यान से इस बात समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन में भी है, आउटसाइड भी है। अब सॉलिड स्फीयर के लिए ध्यान से देखें तो आपको याद होगा इनसाइड रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एक्स, जहां सेंटर से दूरी है एक्स, ठीक है। तो ये इनसाइड का हो गया। आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या होता है भाई, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, ऑल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, बाहर में जाएंगे तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक चीज समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन यहां से सेंटर से चालू होके और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। हाँ ये अलग बात है कि इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का और आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे जोन में है, पूरे रीजन में है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये करना है, अब बच्चे समझते हैं, देखिए मैंने जो यहाँ पे ये सेल के लिए किया था तो एनर्जी जो मैंने निकाला पूरा, तो मैंने छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जो एनर्जी था इसको मैंने इंटीग्रेट किया था कहाँ से कहाँ तक, आर से इनफिनिटी तक। अब मुझे ये काम कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, तो पहले मुझे 0 से कैपिटल आर तक आना होगा,
देन आफ्टर हमको आर से इन्फिनिटी तक जाना होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे रीजन में है, पूरे रीजन में है। तो एक बात समझो कि जो काम हम कैपिटल आर से इन्फिनिटी जब इंटीग्रेट करेंगे, तो कैपिटल आर से इन्फिनिटी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो वही है सॉलिड स्फीयर का जो सेल का है, तो वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो हमको इतना ही मिलने वाला है, तो वो तो एड अप होगा ही होगा। बेसिकली अगर हम लिखें पूरा एनर्जी, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड का स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर, प्लस आउटसाइड के रेंज के लिए, आउटसाइड जोन के लिए अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा भी, तो तुम समझ रहे हो कि उसका वैल्यू इतना ही है, ठीक है। तो बस क्या करना है, कैरी आउट करना है मुझे इस इंटीग्रेशन को। अच्छा ये इंटीग्रेशन उतना कम है नहीं, जटना ही पीछे की तरफ, अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा क्या, को भी बाहर ले लेते हैं, ई इनसाइड का स्क्वायर, अब ई इनसाइड यहाँ है इसका स्क्वायर में है, तो हो गया k स्क्वायर q स्क्वायर x स्क्वायर बटा r का पावर 6, और ये हो गया भाई x का पावर 2, ठीक है। हाँ यहाँ dx रहेगा 4 पाई x स्क्वायर dx, तो ये हो गया हमारा dx, और कहाँ तक 0 से r तक, और प्लस में ये बाहर वाला जो कंट्रीब्यूशन है बाहर जो ही वो तो फिर है। अब जब आप इस इंटीग्रेशन को कैरी आउट करोगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, और ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप करके देखो। तो जब इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 3 के क्यू स्क्वायर बाई, ये रिजल्ट होगा, इतने पार्ट का तो इंटीग्रेशन होगा उसमें वो जुटेगा, और फाइनल रिजल्ट हमको ये मिलने वाला है। तो ये देखो कि सॉलिड स्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी है सॉलिड स्फीयर का, वो हमारा आ रहा है 3 बाई 5 के क्यू स्क्वायर, और सेल का के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर, मतलब सेल का जो सेल्फ एनर्जी है वो 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर है, थोड़ा कम समझ सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज क्या है पूरे बॉडी का। तो ये समझ सकते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट से ये हम समझ सकते हैं कि अगर हमको एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो हम किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी का सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं, इवन सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक। अच्छा जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको करेंगे, जैसे हमारे पास एक सेल है ए रेडियस का, और बाहर में एक और सेल है, दोनों कंसेंट्रिक सेल है, बाहर वाले सेल का रेडियस स्मॉल बी है, और हमने क्या किया इस पे चार्ज मैंने दिया Q1 और इसको दूसरे सेल को चार्ज दिया Q2। अब मुझे ये आपको निकाल के बताना है भाई कि इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना है, इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना है। अब इंटरेक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी को लगा के अब फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला नहीं, हमको क्या करना है इंटीग्रेशन की मदद से जानना है, हमको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस किस रीजन में कैसा है, कितना है, और एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से आपको सवाल को बनाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मीडियम भर दिया जाए जिसका मैग्नेटिक कांस्टेंट के हो जाए, वैसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिर्फ यही तरीका बचेगा कि आपको पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी लिखते हैं वो ये होता है। तो इसका मतलब कि एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से टिपिकल चार्ज बॉडी सिस्टम का सेल्फ एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं। आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।